दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश के संबोधन के दौरान एक बार फिर से कश्मीर राग आलापा है। उन्होंने कहा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी के खिलाफ नहीं थी। मैंने पहली बार भारत के खिलाफ तब बोला जब भारत ने कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय कानून को 5 अगस्त 2019 को तोड़ा। उन्होंने कहा कि कश्मीर को लेकर भारत से मतभेद है। 370 हटाने से पहले तक मैंने कभी भी भारत के खिलाफ नहीं बोला। इमरान ने कहा कि जब से मैंने सत्ता संभाली, पहले ही दिन से मैंने ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाई जो पाकिस्तान के लोगों के लिए हो। पाकिस्तान के लोगों के लिए का मतलब ये नहीं कि हम किसी और से दुश्मनी कर लें। बात यह भी की जा रही है कि कहीं अपनी सत्ता बचाने के लिए और पाकिस्तान की आवाम को खुश करने के लिए इमरान कश्मीर से संबंधित कोई घटिया फैसला ना ले ले। दोस्तों, आपको बता दें कि इस संबोधन में इमरान ने आरोप लगाया कि छिप छिप कर नरेंद्र मोदी से नवाज शरीफ मिलते थे। उन्होंने एक किताब का हवाला देते हुए ये बात कही। इमरान खान ने कहा कि अमेरिका को मुझसे दिक्कत है, दूसरे दलों या नेताओं से नहीं। अमेरिका ने रिश्ते खत्म करने की धमकी दी। इमरान ने कहा कि बाहरी लोगों ने यहाँ के लोगों के साथ मिलकर हमारी सरकार को गिराने की साजिश रची। उन्होंने कहा कि रूस जाने का फैसला हमारा अकेले का नहीं था। मेरे रूस जाने से अमेरिका नाराज हो गया। मेरे हटते ही अमेरिका का गुस्सा खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इमरान खान ने कहा कि हमारे सामने दो रास्ते हैं जिनमें से एक रास्ते को हमें चुनना है। इमरान खान ने कहा कि मैं राजनीतिक शास्त्र का छात्र रहा हूँ, इसलिए राजनीति में आया। ये पाकिस्तान के लिए बड़े फैसले की घड़ी है। इमरान खान बोले कि देश में इस्लामिक रियासत बनाना हमारा मकसद था। मेरे मैनिफेस्टो में इंसाफ दिलाना सबसे ऊपर था। अगर मेरे लिए इंसाफ जरूरी नहीं होता तो मैं पॉलिटिक्स में क्यों आता? मेरे पास सब कुछ था। उन्होंने कहा कि मौलाना रूमी कहते हैं कि अल्लाह ने जब आपको पर दिए तो आप क्यों चींटियों की तरह रेंग रहे हैं। इमरान ने यह भी कहा कि वो लोगों का नजरिया बदलने के लिए वो राजनीति में आए थे और उनका इंसाफ इंसानियत और खुददारी एजेंडा है। इमरान बोले कि साउथ कोरिया हमारे पास आया था सीखने के लिए। मिडल ईस्ट के लोग पाकिस्तान के विश्वविद्यालयों में आते थे। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की गुलामी गलत है। पाकिस्तान को मैंने नीचे भी आते देखा है, इस वजह से बड़ा फैसला किया। इमरान खान ने कहा कि राजनीति शुरू करते ही एक चीज मैंने कही थी कि मैं झुकूंगा नहीं और ना मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। मैंने आजाद विदेश नीति के बारे में कहा था। मैं अमेरिका, इंग्लैंड और भारत के खिलाफ नहीं हूँ। इमरान खान ने कहा कि मैं भारत या किसी का भी विरोध नहीं चाहता। मुशर्रफ पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका का हिमायती बनना मुशर्रफ की रणनीति थी, उन्होंने गलती की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि 9/11 के हमले के बाद अमेरिका हमारा दोस्त बना। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लोगों के लिए पाकिस्तानियों ने कुर्बानियां दी। हमारे यहाँ ड्रोन अटैक हुआ, मुझे तालिबान खान कहा गया, हमारे ट्रेंड जिहादी हमारे खिलाफ हुए। कौन से कानून में लिखा गया कि दूसरे मुल्क ये तय करें कि कौन दहशतगर्द है और कौन बेकसूर? इमरान खान ने कहा कि मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के लिए होगी, ये किसी के खिलाफ पॉलिसी नहीं थी, ये इंडिया के खिलाफ नहीं थी। इमरान खान ने कश्मीर राग आलापते हुए कहा कि भारत जब कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ता है तब मैंने उनके खिलाफ बात की, उससे पहले मैंने इंडिया से बेहतरी की कोशिश खूब की। संबोधन के बीच में ही अमेरिका का नाम लेकर इमरान खान फंस गए। अचानक हकलाते हुए किसी दूसरे मुल्क का नाम लेने लगे। इमरान खान ने दावा करते हुए कहा कि अमेरिका की तरफ से धमकी वाली चिट्ठी आई थी, वो चिट्ठी मेरे खिलाफ थी। उन्होंने कहा कि चिट्ठी में अविश्वास प्रस्ताव की बात थी। चिट्ठी में कहा गया था कि इमरान खान अगर प्रधानमंत्री रहे तो हमारे रिश्ते आपके मुल्क के साथ खराब हो जाएंगे। चिट्ठी में कहा गया कि इमरान खान चला जाए तो पाकिस्तान को माफ करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे खिलाफ साजिश रची गई। इमरान खान ने कहा कि चिट्ठी में कहा गया था कि नए प्रधानमंत्री को लेकर कोई परेशानी नहीं है, विरोधी चाहते हैं कि मैं कैसे भी जाऊं। ये चिट्ठी देश में बैठे लोगों की साजिश है। इमरान ने विपक्षी लोगों पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप भी लगाया। इमरान खान ने कहा कि विदेशी ताकतें मुझे देश की सियासत से हटाना चाहती हैं। शरीफ और भुट्टो की पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इमरान खान ने कहा कि मेरे खिलाफ अमेरिका को 3 लोग पसंद हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि मेरे रूस जाने से अमेरिका नाराज हो गया। उन्होंने अपने संबोधन में पीएम मोदी का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ सेना पर आरोप लगाकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते रहे।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि जो सत्ता में आना चाहते हैं वो देश का भला नहीं सोचते। इमरान खान ने कहा कि इस रविवार को इस मुल्क का फैसला होगा, फैसला हो जाएगा कि ये मुल्क किस तरफ जाएगा। रविवार को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। ये सारे कह रहे हैं कि इमरान खान ने मुल्क खराब कर दिया। अगर हालात खराब हुए तो क्या 3.5 साल में इमरान खान ने कर दिए? मुझसे किसी ने कहा कि आप रिजाइन कर दें, मैं आखिरी गेंद तक मुकाबला करता हूं, मैंने हार कभी नहीं मानी, वोट के बाद मैं ज्यादा तगड़ा होकर सामने आऊंगा, वोट के दिन मैं देखूंगा कि कौन जाकर अपने जमीर का सौदा करके आएगा। इमरान खान ने दावा करते हुए कहा कि 20 से 25 करोड़ रुपए में सांसदों को खरीदा जा रहा है, कौम के सामने खरीद फिरोख्त हो रही है। बागी सांसदों को इमरान खान ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि कोई आपको माफ नहीं करेगा, मेरे खिलाफ वोट किया तो जनता माफ नहीं करेगी, जब तक मुझ में खून है मैं मुकाबला करूंगा। किसी का ख्याल है कि इमरान चुप करके बैठेगा तो मैं ऐसा बिल्कुल करने वाला नहीं हूं। जैसा हमने आपको बताया कि 3 अप्रैल यानी रविवार को नेशनल असेंबली में वोटिंग होगी, उस दिन फैसला हो जाएगा कि हमारा मुल्क किस ओर जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष कह रहे हैं कि इमरान ने मुल्क खराब कर दिया। मैंने तो 3.5 साल काम किया, आप तो 30 साल से शासन कर रहे थे। मैं चैलेंज करता हूं कि जो काम मैंने 3.5 साल में किया उन्होंने 30 सालों में शासन के दौरान कभी नहीं किया। मैं आखिरी गेंद तक मुकाबला करता हूं, मैंने कभी हार नहीं मानी, वोटिंग के बाद जो भी रिजल्ट होगा उसके बाद मैं और तगड़ा होकर सामने आऊंगा। इमरान ने कहा कि रविवार को पता चलेगा कि कौन अपने जमीर का सौदा करेगा। कई जगह ये तमाशा चल रहा है, चोरी के पैसों से जनप्रतिनिधियों को खरीदा जा रहा है, पूरी कौम के सामने ये सब हो रहा है, ये मुल्क का सौदा हो रहा है। जो मेरे लोग सौदा करके विपक्ष के साथ बैठे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि लोग कभी आपको माफ नहीं करेंगे, लोग इसे हमेशा के लिए याद करेंगे कि आपने उनके मुल्क का सौदा किया, आपने आजाद विदेश पॉलिसी को गिराने की साजिश में विपक्ष का साथ दिया। इमरान खान ने मीर जाफर और सिराजुद्दौल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश को रोकने के लिए आखिरी दम तक खड़ा रहूंगा। इस कौम से जो गद्दारी रविवार को होगी, कौम से कहना चाहता हूं कि इनकी शक्लें आप याद रखना, ये कौम ना ये भूलेगी और ना आपको माफ करेगी, ना उनको माफ करेगी जो आपके पीछे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने 3 जिंदगी मुकाबला किया है, मुझे कुछ भी विरासत में नहीं मिला, मैं स्ट्रगल करके यहां तक पहुंचा हूं, मैं किसी सूरत में इस साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी, अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हम अपने इस चैनल द्वारा आपको दुनिया भर की अनोखी बातें बताते रहते हैं जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।